नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके स्क्रीन पे जो भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं एक बार उनको पढ़ लीजिए। और दोस्तों, मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है, फेक कमेंट से आप सावधान रहें। तो जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि मार्केट का सेंटीमेंट आज स्ट्रांग रहने की संभावना है, उसके पीछे क्या कारण थे वो कल के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किए थे। मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया, मार्केट यहां पे एक ग्रीन टिक के साथ ओपन हुई, मार्केट ने यहां रेड जोन में जाने की कोशिश करी। तो बेसिकली मार्केट जब रेड में गई थी तो वहां पे बुल्स ने एक लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए मार्केट को नीचे लेके जाया गया, और वहां से फिर मार्केट हमारे एल्गो पॉइंट को टच किया मार्केट ने 18650। तो अब आप कहेंगे भी मार्केट के बाद तो कोई भी ये ज्ञान दे सकता है, तो बेसिकली ये ज्ञान वर्षा लाइव मार्केट के अंदर मैंने की थी। तो यहाँ पे 9:17 पे एक अपडेट शेयर किया था कि सेंटीमेंट स्ट्रांग है, हमारा न्यूट्रल पॉइंट 18575 है। अब कुछ तेजस्वी लोग कहेंगे कि यहाँ इन्वेस्टिंग के ऊपर जो पहली कैंडल है उसका लो तो 18578 है। तो भाई, जो आपका दूसरा प्लेटफॉर्म होते हैं ट्रेडिंग व्यू वगैरह, वहां पे जो पहली कैंडल थी उसका लो 18575 था, हमारा न्यूट्रल पॉइंट 18575 था। तो एग्जैक्टली हमने बॉटम को कैच किया और उसके बाद मार्केट के अंदर जो है लगभग 80 पॉइंट के आसपास का मूव देखने को मिला। हमारा जो एल्गो पॉइंट है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। दोस्तों, एक और सवाल मुझे देखने को मिलता है कि ये जो आप अपडेट शेयर करते हैं यहाँ पे जो टाइम डालते हैं तो क्या ये सही होता है, तो उसका भी आज स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये जब अपडेट मैंने डाला था तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था। 9:18 है लैपटॉप पे, 9:17 पे ये शेयर किया था 1 मिनट पहले। तो बेसिकली 1 मिनट के अंदर ही मनी फ्लो ने बता दिया था कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। जो नीचे का मूव था मार्केट के अंदर, जो मार्केट रेड जोन में जाने की कोशिश कर रही थी, बेसिकली वो जो मूव था वो एक लिक्विडिटी क्रिएट की गई थी। और उस मूव का एक और कारण था, कल काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि यहाँ पे आज बियरिश सेंटिमेंट रहेगा क्योंकि वो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को देख रहे थे। तो मुझे ऐसे काफी सवाल देखने को मिले, तो आज उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा। तो बेसिकली बड़े प्लेयर्स यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा। और हमारा जो एक गोल्डन रूल है कि एब्सोल्यूट पोजीशंस या नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का कोई भी रेलेवेंस नहीं होता मनी फ्लो एनालिसिस में, और ये रूल बार बार सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं बार बार इसकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि लोग जो है वो एब्सोल्यूट पोजीशंस को देख के डिसीजन लेते हैं। तो कल अगर आप एब्सोल्यूट पोजीशंस या नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का एनालिसिस कर रहे थे तो आपका जो कंक्लूजन होगा वो वीकनेस की तरफ होगा, लेकिन मार्केट ने आज फिर उसको गलत साबित किया। और मनी फ्लो, मैंने कल भी बताया था कि मनी फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है। तो गोल्डन रूल्स को हमेशा याद रखिए। अब बार बार डेली बेसिस पे इनको दिखाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि लोग करते वही हैं जो उनके मन में आता है। तो उनको सिर्फ एक जो है कंफर्मेशन चाहिए होती है कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों, यही अपडेट मैंने शेयर किया था। एक और सवाल जो मुझे काफ़ी बार देखने को मिलता है कि आपका वोट क्या है, वही मैंने कल भी यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया कि मैं अपना वोट तभी शेयर करता हूँ जब मेरा वोट डेटा पॉइंट्स के विपरीत होता है। अगर डेटा पॉइंट्स के साथ है तो मैं कम्युनिटी टैब पे कोई भी अपडेट शेयर नहीं करता। तो प्लीज़ आप जो भी मैं बातें बताता हूँ उसको आप प्लीज़ ध्यान से समझिए। यहाँ पे 99% लोग वीडियो देखते भी नहीं है। कल कई लोग कमेंट कर रहे थे कि एल्गो पॉइंट क्या है, वो एल्गो पॉइंट मैंने वीडियो में बताया हुआ था। पहले 1 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग होती थी, लोगों को उसमें दिक्कत थी। अब 6 मिनट का वीडियो भी देखने का समय नहीं है लोगों के पास। तो ऐसे लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप मार्केट से बाहर चले जाएं तो बेहतर है क्योंकि यहाँ पे आपको नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है।
तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे आज कैश की बात करें, FIIs ने 2000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग करी, DIIs ने 438 करोड़ की सेलिंग करी। तो एज यूजुअल एक कॉमन पैटर्न है कि यहाँ पे FIIs बाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, DIIs जो हैं वो फ्लैट या जिसको कह लीजिए स्लाइटली पॉजिटिव या स्लाइटली नेगेटिव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें, ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स में बजाज बंधु, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स के अंदर कोई ऐसा जो हैवी वेट है, मतलब काफी बड़ा हैवी वेट तो दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे हमें SBI वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मार्केट का सेंटीमेंट आज पॉजिटिव ही था, कैश का मनी फ्लो जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे न्यूट्रल ही था और कैश मार्केट को आज कंट्रोल कर रहा था, जैसा कि आप D2C रेशो में भी देख सकते हैं कि कैश आज मार्केट को कंट्रोल कर रहा था। तो सुबह कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव था, वो क्लोजिंग होते होते न्यूट्रल हो गया, तो कैश ने आज मार्केट को कंट्रोल किया। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन की बात करें तो FIIs जो हैं वो आज भी इनका मनी फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब ये सिंगापुर FIIs हो सकते हैं। अगर हम इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो बेसिकली कोई खास एक्टिविटी आज भी नहीं दिखी, कल की तरह नेट मनी फ्लो पॉजिटिव है, लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है, स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर अभी भी जो है वो ग्रीन जोन के अंदर है, लेकिन ये न्यूट्रल पॉइंट के काफी, मतलब जो एक जीरो वाली लाइन होती है उसके नजदीक यहां पे ये दिखाई दे रहा है। इक्विटीज की बात करें तो कैश का क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे न्यूट्रल था इसलिए इसको मैंने ऑरेंज कलर के अंदर मार्क किया है। फ्यूचर्स की अगर बात करें, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ जो कि लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा करता है, और फ्यूचर्स की जो पोजीशन है वहां पे FIIs का कोई भी एक्टिविटी यहां पे नहीं दिखाई दे रही। तो दोस्तों अगर हम केवल डेटा पॉइंट्स की बात करें जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, कैश का मनी फ्लो न्यूट्रल है, ऑप्शन चेन का मनी फ्लो पॉजिटिव है, और जो फ्यूचर्स का मनी फ्लो है वो हमें स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है, फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट जो है वो लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है, स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर ग्रीन जोन के अंदर है, तो आज भी मेजॉरिटी डेटा पॉइंट्स जो हैं वो स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहे हैं। FIIs की अगर बात की जाए, ऑप्शंस के अंदर पॉजिटिव मनी फ्लो है, फ्यूचर्स के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है, कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव है, 2000 करोड़ की बाइंग है, तो FIIs का डेटा पॉइंट भी यहाँ पे स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। अब मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई फिर से करना चाहूंगा, अगर मेरा वोट इसके विपरीत हुआ तो मैं कम्युनिटी टैब पे शेयर कर दूंगा, अगर मैंने कम्युनिटी टैब पे कुछ भी अपडेट नहीं किया इसका मतलब मैं डेटा पॉइंट्स के साथ जाना पसंद करूंगा। तो ये चीज मैं काफी बार क्लैरिफाई कर चुका हूं। तो दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है चैनल मेंबर्स का तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आप कम्युनिटी टैब के ऊपर कोई भी सवाल मत डालिए क्योंकि ये कम्युनिटी टैब की पोस्ट्स मैं डिलीट कर देता हूं, तो इनको मैं अभी डिलीट कर दूंगा। आपका जो भी सवाल है आप वीडियो के नीचे जाके डाल सकते हैं, मैं उसको 24 घंटे के अंदर आंसर करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें, केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पर आधारित है, सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना लें। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटिमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटिमेंट के एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, गुड नाइट, शुभरात्रि, शब्बा खैर।